बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। दोस्तों, तमाम उम्मीदवारों को कॉल आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किन किन दोस्तों को और कब तक कॉल रिसीव होंगी और कॉल्स का क्या मतलब है, इन कॉल्स में क्या बताया जा रहा है, और आपको बाकायदा विद प्रूफ कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाएगी। कैंडिडेट्स को किस तरह से कॉल्स आ रही हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे गुरु ऑफ जॉब यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम डेली बेस पर न्यू अनाउंस की जाने वाली जॉब्स के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। इस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरु ऑफ जॉब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपकी क्लियर करता चलूँ, ये जो कॉल कैंडिडेट्स को की जा रही है, ये जस्ट ये बात कन्फर्म करने के लिए कॉल की जा रही हैं कि क्या आपने फैमिली क्लेम पे अप्लाई किया है, मीन के आपके वालद साहब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं या फिर सर्व कर चुके हैं। दोस्तों, ये बात कंफर्म करने के लिए कॉल की जा रही है क्योंकि आपको इसके इजाफी मार्क्स मिलने हैं। अगर आपके वालद साहब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं तो फिर आप बताइएगा जी हाँ सर, हमने फैमिली क्लेम पर अप्लाई किया है। और अगर आपके वालद साहब डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे और ना ही कर चुके हैं तो फिर आप ऐसा हरगिज़ ना बोलिएगा, क्योंकि इसके वो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स और सर्विस कार्ड वगैरह मांगते हैं। अगर वो आपके पास ना होगा तो आपको आपका जैसा तमाम प्रोसीजर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके अलावा आपके इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है कॉल का, ये 1 से 2 दिन के अंदर कम्प्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक और बात यहाँ पर आपकी क्लियर करता चलूँ, ये जो अभी कॉल्स आ रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जिन्होंने वायरलेस ऑपरेटर की कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है उनको कॉल्स आ रही हैं। वायरलेस ऑपरेटर के साथ उन्होंने किसी और कैटेगरी में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको फ़िलहाल ये कॉल आ रही हैं। उसके बाद मे बी बाकी कैटेगरीज वालों को कॉल आएँ या फिर ना आएँ ये अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो कॉल्स आ रही हैं वो वायरलेस ऑपरेटर में जिन्होंने अप्लाई किया और जिनके 40 या फिर 40 प्लस मार्क्स हैं, ज़्यादातर उन दोस्तों को ये कॉल आ रही हैं। दोस्तों, ये जो आपको मैंने बोला है कि आपको रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा, दोस्तों ये कैंडिडेट ने कॉल की है कि उसके फादर को कॉल की थी पहले पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़िले पुलिस की तरफ से, तो उसके बाद फिर कैंडिडेट ने दोबारा उसे कॉल की है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों, ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। इस सर बाबू वो पता नहीं था, वो इसलिए मुझे कह रहे थे कि कॉल आई हुई। चलो ठीक है, कितने तक मेरिट बन जाएगा सर? नंबर कितने हैं? 40 जी सर। देखो जी, बन जाए उम्मीद तो है काफ़ी, क्योंकि इसी उसमें तमाम 40 से 50। अच्छा सर, ये वायरलेस में किया था वो उधर हो जाएगा पंजाब? वायरलेस की मैं बात कर। अच्छा ठीक है सर, शुक्रिया मेहरबान। ठीक है।